हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस इज गुरचरण। और छोटा सा बैंक है, काफी अच्छा बैंक है। इसको शायद मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जब भी मैंने जिस दिन रिजल्ट उसके बारे में रिकमेंड किया था आप लोगों को, तो वहीं से वो 30-40% की रिटर्न दे चुका था शेयर। वो 30 रुपये पर रिकमेंड किया था, 40 का टारगेट था, वो हो गया 42 लगा दिया उसने हाई। तो उसी के नतीजे आज आ चुके हैं Q1 के, तो उससे के रिलेटेड आपसे डिस्कस करूंगा। तो जिसने भी ये शेयर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो उसको। सबसे पहले मैं आपको जो मैंने वीडियो बनाई थी इसके रिलेटेड, वो आपको दिखाऊंगा। ये 3 हफ्ते पहले की वीडियो है मेरी, देख लो चैनल पे जाके जिसने नहीं देखी है। 3 हफ्ते पहले की मेरा चैनल है बुल हॉर्स शेयर, यहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, पहले ये देखते हैं क्या मैंने इसमें बोला था। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुरचरण। और अभी मैं आपके सामने एक डिस्कस करूंगा, एक स्टॉक है, उसका बैंकिंग से रिलेटेड स्टॉक है। उसका नाम भी शायद आपने पढ़ लिया होगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये अपने, जैसे कि इसके बारे में मैं यही कहूंगा, ये अपने इंडिया के मतलब आने वाले टाइम के ग्रोइंग बैंक्स हो सकते हैं। जैसे कि HDFC बैंक, ये बाहर वाले बैंक है, ठीक है। ये सारा पैसा है इनका, हमारा इंडिया में नहीं ये रह रहा हमारा पैसा। अगर HDFC बैंक में कोई किसी ने भी सेविंग अकाउंट भी खुलवाया हुआ है, तो वो सारा का सारा पैसा हमारा इंडिया में नहीं है, कहीं ना कहीं इसका। मेरे को आगे अभी दिखा बहुत रहा हूँ ज्यादा स्ट्रांग वीडियो। लग रहे हैं, EPS आ चुका है, और 23 तक EPS आ चुका है। तो क्योंकि वो डेली फ्रीज था, फ्री शेयर था। किसी टाइम वो शेयर 14,000 पे ट्रेड किया करता था, 14,000 पे लोगों को तो लूट लिया उस 14,000 के लगे कर करके। वो 800 पे, 800 से नीचे करके 3-4 रुपए पे शेयर आ गया था। तो वहां से इन्होंने फिर किसी को आता है 2024 तक, तो शेयर कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा सोच भी नहीं पाओगे। मल्टीबैगर शेयर होंगे ऐसे, वो यस बैंक वगैरह ये सुनना, रुपए के पास ट्रेड कर रहा है, तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आसपास ही है, तो शेयर अच्छा ही होता है। फ्यूचर ग्रो देखो, मैंने बताई दिया 30% के आसपास ये फ्यूचर ग्रो करेगा। अगर 30% के अकॉर्डिंग ये आने वाले टाइम में बैंक ग्रो करता है, तो अच्छी बात ही होगी इसके लिए। अर्निंग एंड रेवेन्यू फोरकास्ट देख लो आप, अर्निंग 17-18 बिलियन के पास आ रहा है, अर्निंग 3-4 बिलियन पर ईयर आ रही है, तो काफी ये भी अच्छी बात है। आने वाले टाइम में 35 बिलियन के पास ये 2024 तक का एक्सपेक्ट करें, 35 बिलियन के पास अगर आता है 2024 तक, तो शेयर कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा सोच भी नहीं पाओगे। मल्टीबैगर शेयर होंगे ऐसे, वो यस बैंक वगैरह उनका टाइम चला गया, वो थे घोटाले करके। जो बैंक अच्छे हैं परफॉर्म करेंगे, यही बैंक परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम में। फोरकास्ट एंड एनुअल ग्रोथ कंपनी की भी फोरकास्टिंग आगे निकाल रहा हूँ। तो आपको मैंने बता ही दिया हुआ है कि क्या ये बैंकिंग सेक्टर का है। फैमिली छोटे छोटे स्मॉल लोन देता है, और जिसके पास भी जिसने भी शेयर बाय करना हो, तो ये शेयर 28.50 रुपीज का स्टॉप लॉस, सिंपल स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखना है इसको। और ये शेयर मेरा पहला टारगेट होगा 35 का, और दूसरा टारगेट होगा 40 का, पोजिशनल टारगेट। अभी भी इसमें 30-35% रिटर्न बची हुई है, तो ये आपको इजिली फेयर वैल्यू तक आएगा ही आएगा ये शेयर। तो जिसने भी शेयर बाय करना हो, 28 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के सिंपल, और तब बाय करके होल्ड करके रख सकता है। और इसमें ये पहला टारगेट मेरा पोजिशनल टारगेट है 35 का, दूसरा टारगेट 40 का होगा, इसको होल्ड रखना। और PNB बैंक का शेयर भी इसके आसपास ही घूम रहा है, पर उसमें लोन उसमें क्या है, लॉस बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, तब भी आप फेयर वैल्यू इसकी चेक कर सकते हैं। तब इसकी फेयर वैल्यू 40 रुपी थी। ठीक है, तो ये मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को वीडियो बना के दी थी इस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो अभी इसके नतीजे आएंगे, हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। तो आगे इसमें आप देख सकते हो 42% इन्होंने बोला कि जो है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये 34 रुपये 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। एनुअली जो नतीजे हैं इसके देखो,
2019 के या 2020 के 1728 करोड़ की थी, अब यहाँ देख सकते हो यहाँ 2525 करोड़ है 2020 की सेल है जो। फिर अगर मैं देखता हूँ नीचे की तरफ प्रॉफिट मेरे को कितना आया था, प्रॉफिट आया था मेरा 350 करोड़ था 2020 में, यानी कि ऑलमोस्ट डेढ़ गुना हो चुका था 200 करोड़ के अकॉर्डिंग। अगर 200 करोड़ के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ तो मेरा 150 डबल करोड़। मतलब ऐसे ऐसे बैंकों में ग्रोथ होती है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, ये ना ही ये ऑप्शन का जुए बाजारी का बिल्कुल स्टॉक नहीं है। अगर आप सोचो कि अगर ऑप्शन में ट्रेड होता है तो बिल्कुल भी ये स्टॉक ऑप्शन में नहीं ट्रेड होता, सिंपली और सिंपली कैश का ट्रेड है। अच्छी कंपनी है ये, ठीक है। और बाकी ये तो मैंने एनुअली दिखा दिया आपको, जो एनुअली जो लास्ट क्वार्टर के आए थे। अभी जून के जो नतीजे हैं उसमें थोड़ा सा मैं आपको प्रीव्यू कराऊंगा, एक मिनट रुक जाओ बस। फोर्टी 42% इसका प्रॉफिट गिर गया, 55 करोड़ के पास इसका प्रॉफिट आया है। मतलब पहले कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेरा 94 करोड़ था, तो 42% गिरने का मतलब इस क्वार्टर में मेरा जून 2019 में 90 करोड़ था, 94 करोड़ था, अभी जून 2020 में 55 करोड़ आया। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो आया है ना, इतनी सारी COVID-19 की सिचुएशन होने के बाद भी कहीं ना कहीं इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, तो ये बहुत अच्छी कंपटीशन की वजह से बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट दिखाया गया इनका। फिर भी मेरी तरफ से तो अच्छा ही है। बाकी एक साल पहले इन्होंने 84% फॉल ऑन, हाँ ये भी बात है कि इन्होंने 84% लेस डिसबर्समेंट किया लोन में। इसका मतलब ये हो कि इन्होंने जो लोन लोगों को बांटे हैं वो 84% गिर चुके हैं। वो अभी आपको ही पता, अगर नॉर्मल अभी बैंक से लोन लेने जाए वो नहीं देते हैं, मना कर रहे हैं। वो सिंपल बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था बजाज फ्रेंड साहब के पास मेरा फ्रेंड गया था, उसने अप्लाई करना था लोन, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम अगस्त से ही ये सारा कुछ ओपन करेंगे, अगस्त से हम अप्लाई करेंगे। तो पिछले कहेंगे लोन डिसबर्समेंट बहुत कम होगा, अगर ये लोन बांटते तो इनका कहीं ना कहीं इनकम, इंटरेस्ट इनकम आती, तो वहाँ से ये अपना प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ा के दिखा सकते थे। लोन डिसबर्समेंट कम हुई है और देखो फुल फोर्थ क्वार्टर रिफ्लेक्टिंग अवर इम्प्रूव्ड कलेक्शन एफिशिएंसी 54% तक इनकी, जून में जो एफिशिएंसी 54% तक एफिशिएंसी इनकी बढ़ी है, जबकि जुलाई में 59% हो चुकी है इसकी। जो नितिन छज है इनके सीईओ, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। लोन डिस्पर्समेंट फॉर फर्स्ट क्वार्टर वाज 474 करोड़ था, अभी इस क्वार्टर में अप्रैल से लेकर जून तक सिर्फ 474 करोड़ की लोन डिसबर्समेंट की है इन्होंने, जबकि एक साल पहले जून 2019 में 3000 करोड़ की यहाँ लोन डिसबर्समेंट थी, आप खुद देख लो। कहीं ना कहीं अगर ये लोन डिसबर्समेंट आगे बढ़ाते हैं तो इनका प्रॉफिट आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सिर्फ लोन डिसबर्समेंट इतनी कम होने के बाद, 84% कम होने के बाद भी अगर ये 55 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता है, जब 94 करोड़ का प्रॉफिट था जून 2019 में, तो कहीं ना कहीं ये नतीजे बहुत अच्छे ही हैं मेरे लिए। तो वही इन्होंने बताया कि ये देखो प्रोविजन क्वार्टर वाज 129 करोड़ इन्होंने प्रोविजन रख दिए, जबकि 199 करोड़ की प्रोविजन, टोटल प्रोविजन रोज 140 करोड़ हो गई है इनकी। प्रोविजन बहुत ज्यादा बढ़ा दी इन्होंने, प्रोविजन बढ़ने की वजह के बाद भी आप देखो 55 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया, बहुत अच्छी चीज़ है। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो जो हुई है 30% तक ग्रो हुई है इनकी, 458 करोड़ के पास आया है। वाइल नेट इंटरेस्ट मार्जिन फेल टू, इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा कम हुआ है 10.2 हो गया, जबकि एफ डी के रेट गिरे हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट पड़े। जो ग्रोस एनपीए रेशियो वाज 1% है, एंड ऑफ जून वाज 0.8% ईयर, तो ग्रोस एनपीए की रेशियो थोड़ी सी बढ़ी है 0.20 के साथ, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बैंक आपको मैं फिर दिखाता हूँ। रिटर्न ऑन एसेट्स इक्विटी देखोगे तो 2020 में 14% की अभी तक रिजल्ट रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है ये, हर साल इक्विटी पर रिटर्न इसकी बढ़ती जा रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स देख लो आप इसकी, देखो कहाँ 0.172 था, अभी 0.218 आ गया, तो ये भी अच्छी ही है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छा ही दे रहा है। ईपीएस देख लो, ईयर वाइज ईपीएस दिखा रहा हूँ, 1.20 रुपये ईपीएस 2019 में, 2.18 रुपये 2020 में था, यहाँ आप देख सकते हो 2020 में ये 2.18 रुपये है। तो इसके बाद भी
अगर ईपीएस मैं 2021 की एक्सपेक्टेशन लगाऊंगा तो मेरी ईपीएस कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 1 रुपए 45 पैसे मेरे को ईपीएस चाहिए, तो इजीली अटेन कर लेगा ये इतनी बड़ी बैंक। बैंक को थोड़ा सा मोमेंटम मिलने दो, ये ऐसे भागेंगे। नेट इनकम है जो इनकी इनकम है जो हर साल 2020 में 3.5 बिलियन के पास इसका मुनाफा पहुंच चुका है, और जबकि 2 बिलियन सिर्फ 2019 में था, तो 2021 में भी ये बढ़ना ही चाहिए। इनकम स्टेटमेंट देख लो आप इसकी, हर साल इसकी सेल बढ़ती जा रही है, हर साल सेल 13 बिलियन था, 20 बिलियन था। अब करना क्या है शेयर में, मैं आपको बताता हूँ। जिसने भी ये शेयर बाय करना, सिंपल 32 का स्टॉप लॉस लगाना आप लोगों ने, ओनली 32 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रख सकते हो। 32 के नीचे आपने नहीं बाय करना, यू डोंट नीड टू बाय बिलो 32, ओनली विद द स्टॉप लॉस 32 यू हैव टू होल्ड, 32 के पास ही बाय करना आप लोग, ठीक है। ऐसे होता है कि आपके रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। अभी 34 के पास ट्रेड कर रहा, तो मेरा पहला टारगेट ये मतलब 36 का टारगेट आएगा, दूसरा टारगेट मेरा 38 का होगा, तीसरा टारगेट फिर 40 का जाएगा ये, ठीक है। 40 क्रॉस करेगा फिर ये मेरा सीधा ही टारगेट 46 पे आ जाएगा, पोजिशनल टारगेट मेरा 46 ही है। आपको अगर 32 ब्रेक करता है तो फिर आप 29 पे बाय करना, 29 सीधा 3 रुपये नीचे गिरेगा ये, ठीक है। 29 पे बाय करना, 29 से नीचे मत बाय करना, मैं पहले बोल रहा हूँ इसको मत बाय, 29 से ऊपर ही रखना है इसको, या 32 से ऊपर ही इसको बाय करना। जब भी ये क्रॉस करेगा नीचे से ऊपर आता है तो फिर भी आपको 29 रुपये से ऊपर ही आप इसको बाय करना, ठीक है। कैश का ये शेयर है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आप फिर भी इसको रख सकते हो। बैलेंस शीट भी इसकी साल बहुत अच्छी है, देखो साफ सुथरी बैलेंस शीट है, 184 बिलियन के एसेट्स है तो 152 बिलियन की लाइबिलिटीज है। यहाँ पे देखो इसकी 54.5 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और यहाँ पे आप देखो फेयर वैल्यू ही इसकी, अभी पहले 40 मैंने दिखाई थी लास्ट क्वार्टर, अभी ये फेयर वैल्यू 46 हो चुकी है, फेयर वैल्यू 46 बढ़ के आ चुकी है इसकी। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट में सही सही जो इसका रेट है तो वही है, उसके पास ये जाएगा ही जाएगा, पोजिशनल आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी मैंने यहाँ पे तो आपको ये देखो क्वार्टरली रिजल्ट आप मनी कंट्रोल की साइट पे मैं लेके आ गया हूँ। यहाँ पे देखो एक बात आप ये देखो सिंपल, अगर मेरा 55 करोड़ का प्रॉफिट आया है, कम हुआ है, ठीक है, 94 करोड़ तक, पर मेरी सेल भी बढ़ी, आप इस चीज को देख लो, 700 करोड़ के पास सेल आई है मेरी, सेल में कहीं ना कहीं कमी नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट एडजस्टमेंट कर ली वो क्यों किया, वो आपको मैं बताता हूँ। इन्होंने प्रोविजन 140 करोड़ कर दी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये देखो प्रोविजन आप देख सकते हो, साफ साफ 140 करोड़ की प्रोविजन आई है। प्रोविजन हर बैंक रखता ही रखता है, आप इसको भूल ही जाओ, प्रोविजन कहाँ, मेरा 24 करोड़ की प्रोविजन थी, कहाँ मैंने सीधा ही 50-60% मैंने एक्स्ट्रा प्रोविजन रख दी है। जून 2019 में कहाँ मेरी प्रोविजन सिंपल थी, 18-19 रुपए के पास मेरी प्रोविजन, 18-19 करोड़ थी मेरी प्रोविजन, तो मैंने प्रोविजन इसकी सीधा ही मतलब 10 गुना के आसपास मैंने प्रोविजन बढ़ा दी है, तो बहुत ज्यादा प्रोविजन बढ़ा दी है, जिसकी वजह से ही मेरे को ये 55 करोड़ का मेरे को एंड में ये प्रॉफिट बचा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका मैंने एनालिसिस भी आपको कर दिया, कहाँ 94 करोड़ था, कहाँ 55 करोड़ है, तो मतलब नतीजे इतने ज्यादा खराब नहीं, मैं इसको बोल सकता हूँ पोजिशनल शेयर रखने के लिए बहुत अच्छा ही ये शेयर है। क्वांटिटी जो NSE की साइट पे लेके आया हूँ मैं आपको, ये आप इसके डिलीवरी स्टेटस देख सकते हो, जो 30th की लास्ट की जो थी, 31 जुलाई की डिलीवरी हुई है, 41% तो लोगों ने डिलीवरी में इसका मटेरियल उठा ही लिया, ये देखो खुद आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 40% डिलीवरी, 5 लाख कहीं ना कहीं ने शेयरें उठाए गए हैं ये। तो मैंने अपनी तरफ से इस बैंक का एनालिसिस कर दिया है, सारा डाटा भी आपको दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करो, लाइक करो, थैंक्स, गुरचरण है यार।